अब देखिए कुछ दिन पहले एमजी की हेक्टर जो थी वो एक जगह पे दिल्ली के एक जगह पे शायद से आग पकड़ गई थी। पूरा इंजन भी जल चुका था, सामने का पूरा पार्ट जल चुका था और इसके बारे में इंटरनेट पे काफी सारे अफवाहें फैल गई थी और बहुत लोगों को टेंशन हो गया था। जो एमजी हेक्टर के यूजर्स है या जो खरीदने वाले हैं फ्यूचर एसयूवी बायर्स है, उनको बहुत सारे की सवाल जो है उनके दिमाग में आ रहे थे। तो अभी एमजी ने जो ब्रांड की ये प्रेजेंस है, हर वक्त एमजी हर एक स्पेकुलेशन को अच्छे से आंसर करती है और ये ब्रांड का मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है। दूसरे ब्रांड्स दब जाते हैं जहां की एमजी जो है वो खुल के स्टेटमेंट देती है मीडिया हाउस में और इसी वजह से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका है क्यों इस गाड़ी में आग लगी थी, क्या इसका सोल्यूशन है, एमजी ने क्या इसका सोल्यूशन निकाला, सबके बारे में आज इस डिटेल्ड वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं अनिर्वाण बैनर्जी टर्बो ड्राइव के नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। ये ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमोबाइल के बारे में अगर आपको मिलने रहना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए यहां पे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहां पे देखिए एमजी की हेक्टर की जो फायर कैच हुई थी, सामने का इंजन में आपको पता ही है पूरा जल गया था, वीडियो या इमेजेस आपको सामने आते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मेनली कंपनी ने ये कहा है पूरी की पूरी फैमिली जो है वो सेफली बाहर आ गई है और कंपनी ने एज ए कंपेंसेशन भी शायद से उनको यहाँ पे एक नया एमजी हेक्टर प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को कोई ऐसी मेजर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे क्या है फ्यूल लाइन जो है बाकी जितने भी इंजन में भी जितना फ्यूज वगैरह जो भी मेन मेजर कॉज हो सकता है फायर लगने का एक्सटर्नल कॉज वो सब कुछ सही था। लेकिन यहाँ पे एमजी ने ऐसा सेंस किया है क्योंकि गाड़ी तो जल गई थी तो इतने जलने के बाद वो रीजन उतना बसता नहीं है, लेकिन एमजी ने कुछ डेब्रीज पाया है, कुछ पार्टिकल्स या कुछ टुकड़े पाए हैं किसी फॉरेन पार्टिकल्स के, तो डीलरशिप से जो एक्सेसरीज लगाए हैं हो सकता है उसकी कुछ फिटमेंट करते हुए कुछ एक आध छोटी सी कनेक्शन में एरर आ गई हो, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पे एमजी हेक्टर में। प्रैक्टिकली जो मेरी एनालिसिस कहती है कि क्यों इंजन में छोटी सी डिफॉल्ट थी तो उसी कारण यहाँ पे लगी है, तो प्रैक्टिकली इसमें कौन दोषी ठहराता है, मेनली एमजी या कस्टमर? नहीं, हो सकता है कुछ मैलफंक्शनिंग की वजह से या कुछ हुआ होगा, कुछ क्लॉच छूट गया होगा या लीकेज आ गई होगी, कुछ होने की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है। तो नहीं है, हाँ एमजी की ये डीसीटी वेरिएंट जो है वो बहुत बार पहले भी एक आध बार चर्चे में आ चुकी है और डीसीटी सिर्फ एमजी की नहीं आई है, किया की भी डीसीटी चर्चे में आ चुकी है। डीसीटी थोड़ी सी ओवरहीट होती है, वो हो सकता है वो एक्स्ट्रा हीटिंग की वजह से ही यहाँ पे जो है आग लगने की ये कारण भी हो सकती है। बस इतना ही था इस वीडियो में, मेनली हीटिंग इशू ही इस गाड़ी का मेन कारण था, अनवांटेड हीटिंग की वजह से ही आग लगी और इसी वजह से ये जो हादसा था वो हो गया है। अभी फिलहाल सब कुछ सॉर्टेड है, एमजी की काफ़ी अच्छी सपोर्ट है और ये सपोर्ट देख के अच्छा लगता है, किसी ब्रांड की एक अच्छी कमिटमेंट है इंडियन मार्केट में। बस ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ कोई आपको कोई सवाल वगैरह कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर जरूर लिखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।